हेलो भाई, मैं अंकित। रिनॉल्ड का दिन पर दिन हाल खराब होते ही जा रहा है भाई। ये लोग पहले नहीं मानोगे 4,000-5,000 यूनिट बेच लेते थे, लेकिन अब भाई 3,000 पे इनका सेल्स आ चुका है। अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन रिनॉल्ड की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल वाइज पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे और उनमें कौन कौन सा इंजन ऑप्शन मिल जाता है ये भी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। इवन मैं निसान की मैग्नाइट का भी सेल्स यहाँ पे आपको बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं। तो रिनॉल्ट ने अप्रैल के महीने में 3,707 गाड़ियों को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि मार्च में 4,225 यूनिट का आंकड़ा था, मतलब 518 गाड़ियाँ इनकी कम बिकी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ भाई, इनका दिन पर दिन हालत ख़राब होते ही जा रहा है, पता नहीं क्या होगा इनके साथ है। खराबी जो मैंने आपको यहाँ आंकड़ा बताया अप्रैल महीने का, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है और जान लेते हैं। इनके पास तीन प्रोडक्ट है भाई। तो तीसरे नंबर पे आई है इनकी क्विड, सबसे सस्ती कार। इसकी 977 यूनिट बिकी अप्रैल में, जबकि मार्च में आंकड़ा 928 यूनिट का था, मतलब 49 गाड़ियाँ क्विड की ज़्यादा बिकी है। इसका सेल्स इंप्रूवमेंट में देख के थोड़ा सा खुशी हो रहा है भाई। ये 5,47,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 7,47,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ है, लेकिन रिनॉल्ट वाले आज तक इसमें CNG नहीं निकाले भाई। मेन इसीलिए ये कम बिकती है, नहीं तो इसी की कॉम्पिटिटर अगर आप देखते हो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 को, उसमें आपको CNG मिल जाता है। खैर पता नहीं भाई रिनॉल्ट वाले क्या चाहते हैं। बात करें अगली गाड़ी की, तो सेकंड नंबर पे है काइगर। ये आपकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी SUV है भाई, बड़ी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक ठाक साइज आपको इसका मिल जाता है, रोड पे अच्छी लगती है। इसकी अप्रैल में 1,059 यूनिट बिकी है, जबकि मार्च में 1,050 यूनिट बिकी थी, मतलब 9 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है काइगर की। इसके भी सेल्स में इंप्रूवमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेल्स गिरा किसका है आपको आगे पता चलेगा। काइगर में आपको भले ही ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं मिलता, लेकिन हाँ इसका प्राइजिंग जो है ना बहुत ही कम है। 7 लाख रुपये तक आप इसका बेस वेरियंट ले सकते हो, हालांकि टॉप एंड वेरियंट लेने के लिए 13,15,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। बाकी इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ऑटोमेटिक के साथ, डीजल इंजन नहीं मिलता, इसमें 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आता है भाई। खैर बाकी नंबर 1 पे आई है इनकी ट्राइवर। ये भाई MPV है, मल्टीपर्पज व्हीकल। इसकी 1671 यूनिट बिकी है, जी मैं सही बोल रहा हूँ, ओनली 1671 यूनिट। ये गाड़ी भाई 2,200-2,500-3,000 इजिली बिक जाया करती थी, लेकिन अप्रैल में मात्र 1671 यूनिट बिकी है, जबकि मार्च में आंकड़ा 2,247 यूनिट का था, मतलब 576 गाड़ियाँ कम बिकी है ट्राइवर की। 576 गाड़ियाँ, ये आपको 6,96,000 रुपये से शुरू होकर 10,46,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड है। इसमें भी आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ है। पता है रिनॉल्ट वाले एक बार गाड़ी लॉन्च करके भूल जाते हैं, ये लोग अपडेट सबडेट नहीं करते ना भाई, इसीलिए। और सुनने में आ रहा है बहुत टाइम से कि इनका डस्टर आने वाला है इंडियन मार्केट में, लेकिन भाई ये लोग ऑफिशियली कुछ बता ही नहीं रहे उसके बारे में, तो लोग बाग क्या ही वेट करेंगे, खरीदे जा रहे हैं लोग बाग दूसरी कंपनी का गाड़ी। खैर बात कर लेते हैं थोड़ा मैग्नाइट के सेल्स की। तो मैग्नाइट का 2,404 यूनिट भी क्या अप्रैल में, बाकी मार्च में आंकड़ा 2,701 यूनिट का था, मतलब 297 गाड़ियाँ कम बिकी है मैग्नाइट की। जिनको नहीं पता भाई मैं बता दूँ, मैग्नाइट और काइगर दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है अंदर से, ऊपर से भले ही आपको डिज़ाइन अलग अलग मिलता है। खैर मैग्नाइट भी आपको 6,96,000 रुपये से शुरू होकर 13,01,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें भी आपको सेमी इंजन मिलता है काइगर वाला, पेट्रोल इंजन जो आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। तो यही कहानी है भाई रिनॉल्ट या फिर निसान की सारी गाड़ियों का। निसान के पास तो एक ही प्रोडक्ट है भाई, ये लोग भी भूल चुके हैं गाड़ी लॉन्च करके। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा। इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी कंपनी का सेल्स बताया है भाई, आपको 2 वीडियो ऊपर दिख रहा होगा, कोई सा भी क्लिक करके देख सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।